वॉन विल्ब्रेन डिजीज एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कोई भी जगह से खून निकलना बंद नहीं होता है। वॉन विल्ब्रेन डिजीज का डायग्नोसिस कैसे होता है वो आज हम जानेंगे। माइसेल्फ डॉक्टर धर्मेश ओगासिया, हिमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट सूरत। कोई भी पेशेंट्स को ब्लीडिंग होता है अनयूजुअल साइड से, या तो आफ्टर सर्जरी या तो ट्रॉमा की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, लाइक पीटी, एपीटीटी, फाइब्रिनोजन टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट्स हम आगे फर्दर वर्कअप के लिए भेजते हैं। अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग आता है या नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा आता है तो उसमें हम फर्दर इवेल्यूट करते हैं। उसमें स्पेशल फैक्टर लाइक फैक्टर 8, फैक्टर 9 की टेस्टिंग करते हैं। उसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी आती है तो उसको हम फर्दर इवेल्यूट करते हैं कि पेशेंट को वॉन विल्ब्रेन डिजीज है कि नहीं है। उसके लिए हम वॉन विल्ब्रेन फैक्टर SA, वॉन विल्ब्रेन फैक्टर एक्टिविटी और वॉन विल्ब्रेन फैक्टर एंटीजन दोनों का रेशियो करते हैं, जिससे हम लगता है कि वॉन विल्ब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी है कि नहीं। और डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट्स हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए म्यूटेशन टेस्टिंग या DNA टेस्ट करते हैं, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को वॉन विल्ब्रेन डिजीज है या हीमोफिलिया है। आज हम वॉन विल्ब्रेन डिजीज का ट्रीटमेंट यानी कि मैनेजमेंट कैसे होता है वो जानेंगे। वॉन विल्ब्रेन डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वॉन विल्ब्रेन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए वो कौन से टाइप का है वो पहले डिसाइड करते हैं। टाइप 1 में अगर ब्लीडिंग होता है तो उसमें माइल्ड डिजीज होता है, उसमें टेनेक्जेमिक एसिड्स या लोकल साइड पे कंप्रेशन से भी ब्लीडिंग बंद हो सकता है। और सम फॉर्म ऑफ सीवियर ब्लीडिंग होता है तो उसमें हम वॉन विल्ब्रेन फैक्टर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और कभी कभी प्रेगनेंसी के अंदर टाइप 1 डिजीज है तो उसमें हम डेस्मोप्रेसिन का नेजल स्प्रे आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वॉन विल्ब्रेन लेवल थोड़ा बढ़ सकता है और आपको ब्लीडिंग से राहत मिल सकती है। टाइप 2 या तो टाइप 3 सीवियर डिफेक्ट रहती है उसमें हमें ये सब चीज़ों के साथ में स्पेशल इंजेक्शन आते हैं, जो वॉन विल्ब्रेन फैक्टर्स कंबाइन रिकॉम्बिनेंट फैक्टर आता है, उसमें फैक्टर 8 के साथ वॉन विल्ब्रेन फैक्टर मिक्स होता है वो हम दे सकते हैं। उसका डोज और ड्यूरेशन, कहाँ पे ब्लीडिंग है, कितनी सीवियरिटी है और कैसे ब्लीडिंग होता है, स्पॉन्टेनियस है या तो अपने आप हुआ है या तो थोड़ा भी लगने के बाद हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। ये इंजेक्शन दिन में 1 बार से 2 बार लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो इसके अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए आपको ब्लड बैंक से क्रायो प्रेसिपिटेट मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ब्लीडिंग इमिडिएटली बंद हो सके। वॉन विल्ब्रेन डिजीज या तो कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको है वो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको कोई भी जगह से ब्लीडिंग होता है वो जो रुक नहीं पाता है, या तो अनयूजुअल साइड से ब्लीडिंग होता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है, नाक या फेफड़े के अंदर ब्लीडिंग होता है, या तो थोड़ा भी लगता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि नहीं है। ऐसे ही ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।